हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ डेली वर्कशीट वर्कशीट नंबर 23 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास सेवन स्टूडेंट्स इट हैज़ टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक कलेक्शन ऑफ डाटा इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि आखिर कलेक्शन ऑफ डाटा हम करते कैसे हैं तो डाटा होता क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ इट विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी लेट्स रिकॉल यानी आपको याद है ना क्लास सिक्स में भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा था तो हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं द डाटा गिव अस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एंटायर वीक हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एबसेंट एवरी डे ऑफ द वीक एक्सेट्रा सो स्टूडेंट्स देखिए हम उसको कैसे याद करते हैं कि आपको याद है ना डाटा तो क्या होता है जब हम कोई इन्फॉमेसन इकट्ठी करते हैं द डाटा गिव अस सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो डाटा होता है वो हमें किसी प्र किसी ना किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड दे करता है सूचना देता है जैसे कि भाई पूरे सप्ताह का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा या हर रोज मतलब एक वीक में हर रोज़ कितने दिन आ, जो कितने बच्चे जो हैं रोज़ वो एबसेंट रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं तो ये सारे क्या है ये डाटा है नाउ इफ वी वॉन्ट टू नो द इंटरेस्ट ऑफ आर फ्रेंड्स यानी अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स का इंटरेस्ट क्या है उनके फ्रेंड्स की इंटरेस्ट क्या है दे आर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट उनके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं दे आर फेवरेट ड्रेस उनकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है फेवरेट गेम कौन सी है और इन विच मंथ दे आर बर्थडे फॉल्स और किस महीने में उनका बर्थडे आता है वी कलेक्ट डाटा फॉर स्पेशल इन्फॉर्मेशन एज़ पर आर रिक्वायरमेंट यानी हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार जब कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं अब वो क्या पर्पज़ है हमारा उसके अकॉर्डिंग ही जैसे हमें ये जानना है कि भाई कौन कौन से महीने में हमारे फ्रेंड्स का बर्थडे आता है तो हम क्या करेंगे मान लीजिए पंद्रह बीस फ्रेंड जो भी हैं उन सबसे अलग अलग जाके पूछेंगे तो इसी को हम कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं सो नाओ लेट्स कलेक्ट द डाटा चलिए अब हम डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स टू नो इन विच पंथ दे लाइक टू गो आउट फॉरन आउटिंग और शॉर्ट ट्रिप्स एटलीस्ट फिफ्टीन और मोर इनपुट्स एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा आपको क्या करना है अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर वो किस मंथ में बाहर घूमने जाना पसंद करते हैं चाहे शॉर्ट ट्रिप के लिए या फिर आउटिंग के लिए कम से कम आपको पंद्रह जनों से पूछना है और इस टेबल को कम्प्लीट करना है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ करके देख लेते हैं कि भाई मान लो एक टेबल हमने इस तरह से बना ली कॉपी में बनानी है आपको भी ये भी ठीक है नेम ऑफ मंथ और नंबर ऑफ पर्सन कितने लोग जनवरी में जाना चाहते हैं कितने फेबररी में तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ट्वेंटी लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं जैसे मान लीजिए जनवरी में थ्री पीपल वॉन्ट्स थ्री पीपल वॉन्ट टू तो गो आउटिंग फेबररी में टू पीपल टू परसन मार्च में वन पर्सन अप्रैल में वन मे में वन जून में वन फिर जुलाई अगस्त में क्योंकि रेन रेनी सीजन होता है तो कहीं भी नहीं जाना चाहता कोई ठीक है तो अभी कितना हो गया देखें आप सेवन और मान लीजिए यहाँ पर थ्री पीपल्स आर विलिंग टू गो सेप्टेम्बर में थ्री तो कितना हो गया फोर्टीन पीपल का यहाँ पर डाटा हो गया ठीक है अक्टूबर में भी टू जाना चाहते हैं नवंबर में भी टू एंड दिसंबर में भी टू अब जब इनको काउंट करोगे आप कितना आया देखिए थ्री टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन और थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व और सिक्स एटीन तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे टू टू कर देते हैं तो टोटल हमारे यहाँ पर हमारा ये ट्वेंटी पीपल का डाटा कलेक्ट हो गया कि अब आप ध्यान से देखेंगे जरा इसको ध्यान से देखें अभी कितना हो गया अभी ज़्यादा हो गया <laughs> तो आप इसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं आ, इसको आप काउंट कर लो थ्री टू फाइव और फोर नाइन और फोर थर्टीन सिक्सटीन तो इसको ट्वेंटी टू कर लेते हैं तो इसमें बोला है कि फिफ्टीन या आ, उससे ज़्यादा लोगों का इनपुट हम ले सकते हैं तो हमने ट्वेंटी टू जो पीपल है उनका डाटा कलेक्ट कर लिया और इस तरह से हमने अपनी एक टेबल बना ली इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा कि हमने हमारा पर्पज़ क्या था कि हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग कौन से मंथ में जाना चाहते हैं तो इस तरह से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं सो so, प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जाम्पल है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड राजन राइट्स द टाइम स्पेंड स्टडीज डेली फॉर अ वीक इन अ टेबल यानी राजन एक लड़का है वो एक वीक में हर दिन अपनी स्टडी पर कितना टाइम स्पेंड करता है उसको वो एक टेबल में लिखता है जैसे मंडे को वो फाइव आवर्स स्पेंड करता है ट्यूसडे को सिक्स आवर्स करता है वेंसडे को सेवन आवर्स थर्सडे को फाइव आवर्स फ्राइडे को फोर आवर्स सैटरडे को थ्री आवर्स और संडे को टू आवर्स यानी टोटल वो इतने आवर्स अपने एक वीक में स्पेंड करता है किस पर पढ़ने में ठीक है तो इसको उसने लिख दिया अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एवरेज टाइम इन आवर्स स्पेंड एवरी डे बाय राजन इन अ वीक इन हिज स्टडीज वो अपने स्टडी में राजन जो है वो कितने एवरेज टाइम स्पेंड करता है आप एवरेज कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे फॉर्मूला भी है कि टोटल आर्ट्स यानी इन सारे आर्ट्स को आप प्लस कर दो और नंबर ऑफ़ डेज से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज कितने हैं सेवन है क्योंकि एक वीक में सेवन डेज होते हैं तो सेवन से डिवाइड हमें करना है ठीक है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये भी बताना है कि फाइंड आउट हाउ मेनी डेज राजन हैज़ स्टडीड बिलो द एवरेज यानी जितनी एवरेज आएगी उसके हिसाब आप से आपने देखना है कि वो एक वीक में कितने दिन बिलो एवरेज पड़ते हैं एवरेज से यानी कम पड़ता है सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द टोटल आर्स टोटल आर्स कितने हो गए हैं ज़रा काउंट करो फाइव प्लस सिक्स एलेवन प्लस सेवन एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री प्लस फोर ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री थर्टी प्लस थर्टी टू तो ये हो गए थर्टी टू आर्स एच आर एस लिख दो ठीक है और डेज ऑफ द वीक कितने होते हैं डेज ऑफ द वीक सेवन डेज तो एवरेज कैसे निकालनी है हमने नीचे समझ लिया एवरेज इज इक्वल टू टोटल आवर्स टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल डेज ठीक है वो हो गया थर्टी टू डिवाइडेड बाय सेवन आप यहां पर इसको करके देख लें सेवन फोरजार ट्वेंटी एट फोर रिमाइंडर बच गया तो यहां पर आपको एक पॉइंट लगाना है तो यहां जीरो लगाना है तो सेवन फाइव हजार फोर्टी थर्टी फाइव फाइव बज गया आगे करने की जरूरत नहीं तो ये आ गया फोर पॉइंट फाइव आवर्स ठीक है तो हम यहां लिख देते हैं फोर पॉइंट फाइव आवर्स ये कितना ये क्या आ गया ये एवरेज आ गई कि वो वीक में फोर पॉइंट फाइव आवर्स यानी साढ़े चार घंटे वो एवरेज लगाता है तो इसी तरह से आंसर सेकंड भी निकल जाएगा आंसर सेकंड के लिए आपको क्या करना है अब देखना है कि 4.5 से कितने डेज ऐसे हैं जिसमें उसने कम पढ़ाई करी है इसमें सही पढ़ाई करी इसमें भी सही करी इसमें भी सही करी तो कौन कौन से डेज हो गए एक तो ये वाला ये वाला और ये वाला तो कितने डेज हो गए थ्री डेज तो आप लिखेंगे राजन स्पेंट आ, बिलो रा, राज आपने लिखना है यहां पर राजन स्पेंट थ्री डेज बिलो एवरेज राजन स्पेंट टाइम थ्री डे अभी एक मिनट मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है इसको हाँ तो आप इस पर लिख दे राजन स्पेंट थ्री डेज below average time on studies आप ऐसे लिख दीजिए क्योंकि थ्री डेज था ना थ्री डेज वो स्पेंड uh, करता है बिलो एवरेज टाइम तो आपको इस तरह से इसमें लिख देना है दिस इज योर सेकेंड आंसर नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चन द एज ऑफ टेन टीचर्स इन योर स्कूल इन ईयर्स इज एज फॉलोज यानी आपके स्कूल के जो दस टीचर्स हैं उनकी एज यहां पर इस तरह से लिखी है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी नाइन थर्टी फोर थर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी टू थर्टी एंड फोर्टी टू सो क्वेश्चन क्या बनता है देखिए व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर यानी इनमें जो सबसे ओल्ड टीचर हैं वो कौन होंगे उनकी एज क्या है तो आप देखिए सबसे ज्यादा किसका लिखा हुआ है कौन सा नंबर लिखा हुआ है दिस वन तो यहाँ पर आ जाएगा फिफ्टी एट ईयर्स ठीक है देन वॉट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर उनमें सबसे छोटे जो कम उम्र के हैं वो टीचर कौन है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा देखिए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इन वॉट इज द रेंज एज ऑफ टीचर्स तो हमें बताना रेंज एज ऑफ टीचर्स रेंज कैसे निकालते हैं एज रेंज तो जो ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट एज होती है उसमें से यंगेस्ट एज को अगर हम माइनस कर दें तो हमारी एज रेंज निकल आ जाएगी आ जाएगी तो क्या है ओल्डेस्ट एज क्या है फिफ्टी एट ईयर्स माइनस यंगेस्ट एज कितनी है ट्वेंटी फोर ईयर्स तो रेंज कैसे आएगी एज रेंज इज इक्वल टू एज रेंज इज इक्वल टू फिफ्टी एट माइनस ट्वेंटी फोर कितना आया थर्टी फोर ईयर्स ये आ गया आपका एज रेंज दिस इज योर आंसर सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको अपनी वर्कशीट की सारी वीडियोज़ के लिंक एक साथ मिल जाएंगे आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए साथ साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएँ बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन तो ज़रूर लगवाएँ क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच